यूपी T20 लीग में दो और फ्रेंचाइजीज ने अपनी ट्रायल्स की डेट अनाउंस की है। नोएडा किंग्स और कानपुर सुपरस्टार्स के भी ट्रायल्स होने वाले हैं। कानपुर सुपरस्टार्स के ट्रायल होंगे 21-22 जुलाई 2024 को और नोएडा किंग्स के ट्रायल होंगे 23-24 जुलाई 2024 को। देखिए, अगर आप जालौन और कानपुर जोन से आते हैं तो आपके ट्रायल्स होंगे कानपुर सुपरस्टार के लिए। आप कानपुर सुपरस्टार्स में जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं जालौन और कानपुर मंडल में, वो कानपुर सुपरस्टार्स के ट्रायल देंगे। और नोएडा सुपर किंग्स में आएंगी बुलंदशहर, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल। अगर इन मंडल्स में आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप इलिजिबल हैं ट्रायल देने के लिए। तो पहले हम बताएंगे आपको ट्रायल में रजिस्टर आपको कैसे करना है। अगर आप नोएडा सुपर किंग्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसी को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करके आपको फिर फाइनल सबमिशन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप कानपुर सुपरस्टार्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फिर आपको स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिख रहा है उसी को स्कैन करना है। डिटेल फिल करके आप ट्रायल दे सकते हैं, वही फाइनल सबमिट करना है आपको। अब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? देखिए, पहला डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, अगर आपने, जैसे आपको पता है 5-6 महीने पहले उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए थे, अगर आपने यूपीसीए का 2024-25 का प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तभी आप एलिजिबल है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था तो आप ट्रायल नहीं दे पाओगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे और मिनिमम एज रखा गया आपकी एज 17 से ऊपर होनी चाहिए। और अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि हम, सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है या नहीं आता है। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दे रहे हैं, कानपुर सुपरस्टार्स के भी जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे आप डिटेल ले लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए और आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे तो वो बता देंगे कि आपका कानपुर मंडल में आता है या नहीं आता है। और डिस्क्रिप्शन में हम नोएडा किंग्स के का भी जो हेल्पलाइन नंबर है, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर यूपी T20 लीग ने दिया है और फ्रेंचाइजीज ने दिया है, उसका नंबर डाल दे रहे हैं। आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। तो देखिए, ट्रायल के लिए आपको कलर ड्रेस लगेगा क्योंकि ये व्हाइट बॉल से ट्रायल्स होंगे और 7 बजे वेन्यू है। वेन्यू भी स्क्रीन पे आपको हम लगा दे रहे हैं कि कहाँ कानपुर के ट्रायल्स होंगे और कहाँ नोएडा के ट्रायल्स होंगे। इन दोनों जगह जाके आप ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन एक चीज, आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं कि सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है। देखिए, यूपीसीए ने डिसाइड किया है और फ्रेंचाइजीज ने डिसाइड किया है कि जो यूपीसीए के रजिस्टर्ड प्लेयर हैं वही दे पाएंगे। तो इसमें मैं और कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप रजिस्टर्ड प्लेयर हैं तभी दे पाएंगे और आप उत्तर प्रदेश से होना जरूरी है, क्योंकि काफी प्लेयर के मैसेजेस आ रहे हैं, सर मैं बिहार से हूँ दे सकता हूँ, मैं दिल्ली से दे सकता हूँ। नहीं, आप यूपी के इन जोन्स में, अगर आप मान लीजिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तभी नहीं दे पाएंगे, अगर आप इन मंडल से नहीं है। अगर आप इन मंडल से हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन करके ट्रायल दे दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 जुलाई 2024 है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड और बाकी डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इन डिटेल्स के साथ फॉर्म भर के आप ट्रायल देने जा सकते हैं। और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी लोग पूछ रहे हैं कि यूपी T20 लीग का बेनिफिट क्या हो गया। देखिए, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपको यूपी खेलने का मौका मिल जाएगा। अगर इसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा तो मैं एक दावा करता हूँ, आप जरूर यूपी खेल जाओगे। तो ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रायल का फॉर्म जरूर भरें अगर आप इन मंडल से हैं। अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ जरूर कमेंट करें। और हाँ, इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ जरूर हमारे साथ